आदाब नाजरीन, मैं आपके साथ इमराना हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं आरएन टुडे न्यूज़। आज पत्रकारों की सुरक्षा एवं उन्हें गुजारा भत्ता, कैशलेस इलाज व अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने हेतु पूरे उत्तर प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किए जाने की मांग सदन में उठाई गई। जी हां, आपको बता दें कि पत्रकारों द्वारा सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अराजक तत्वों के विरुद्ध खबरों को उजागर करने में उन्हें निरंतर धमकियां मिलती रहती है और उनके साथ मारपीट एवं अन्य कई दुर्घटनाएं भी होती है, जिससे कई बार कलमकार अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय होती है, जिसके कारण उन्हें अपना परिजनों का गुजारा करने में काफ़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए पत्रकारों की सुरक्षा हेतु पत्रकार सुरक्षा कानून को लागू करना अति आवश्यक है। इसके साथ ही उनका 20 लाख तक का कैशलेस इलाज, नए पत्रकारों को 10,000 एवं 20 वर्ष तक कार्य कर चुके वरिष्ठ पत्रकारों को 25,000 प्रति माह गुजारा भत्ता, 1 करोड़ तक का जीवन बीमा, उन्हें अन्य योजना में लाभान्वित करना एवं आवास विकास व विकास प्राधिकरण के माध्यम से नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर भवन प्लॉट उपलब्ध कराया जाना जनहित में है। देखते रहिए आरएन टुडे न्यूज। मान्यवर, मैं सरकार का ध्यान पत्रकारों की सुरक्षा एवं उनके मूलभूत सुविधाएं प्रदान किए जाने की तरफ आकर्षित कराना चाहता हूं। पत्रकारों द्वारा सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अराजक तत्वों के विरुद्ध खबरों को उजागर करने में उन्हें निरंतर धमकियां मिलती रहती हैं और उनके साथ मारपीट एवं अन्य दुर्घटनाएँ भी होती हैं, जिससे इन कलमकारों की जान गंवाने का भी कई बार ऐसा होता है। इसके साथ ही इनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय होने के कारण उन्हें अपने परिवार का गुजारा कर पाना काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है। इसलिए पत्रकारों की सुरक्षा हेतु पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाना अति आवश्यक है। इसके साथ ही उनका 20 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज, नए पत्रकारों को 10,000 रुपया एवं 20 वर्ष तक कार्य कर चुके वरिष्ठ पत्रकारों को 25,000 रुपया प्रति माह गुजारा भत्ता, 1 करोड़ रुपए तक का जीवन बीमा, उन्हें अन्य योजनाओं से लाभान्वित करना एवं आवास विकास व विकास प्राधिकरण के माध्यम से नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर भवन पब्लिक प्लॉट उपलब्ध कराया जाना जनहित में आवश्यक है। अतः जनहित में इस लोक महत्व के सुनिश्चित विषय पर हम सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए आवश्यक कार्रवाई की मांग करते हैं। सरकार को आवश्यक कार्रवाई संदर्भित। सभी ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल आरएन टुडे को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।